Oh my god, ये क्या सीन है। बीच में रोक के खड़े भाई बंदे हैं। मिनी रोड राइड कर रहा हूँ गाइस, चेक करो। मजे लो भाई आप मिनी रोड के ना। तो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे आप सभी। तो आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मैंने शुरू करी अभी अपनी माता के मंदिर से, जहाँ आपको पता ही होगा कि एक मंदिर कहाँ है, और यहाँ मैं हमेशा ही रुकता हूँ भाई साहब। आजकल मेरे डिले हो रहे व्लॉग यार, क्योंकि मतलब मेरे एग्ज़ाम वगैरह थे ना, मतलब एग्ज़ाम वगैरह ही चले हुए मेरे, तो इस करके मैं वीडियो थोड़ी लेट शूट कर रहा हूँ और डाल भी रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है। भी हाइपर ही राइड रहेगी, क्योंकि हाइपर ही करूँगा ना मैं ऑफ रोड का। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑफ रोड भी कर लेंगे यार। बाकी इतनी अच्छी फैमिली तो अभी हमारी हुई नहीं है कि कोई बंदा कमेंट करे हम को। ओह माय गॉड, ये क्या सीन है, पूरा मोड पे हुआ खराब। मोशन बंद तो जरा अपने भाई का ना, तब देखना पावे क्या सीन बनता है। हाँ, किसी तो भी कुछ नहीं आया तो वो टेक हम आराम से कर सकते हैं। इस मोड पे भाई पिछली बार मेरा वो साइलेंसर टच हुआ था इस साइड से। तो अभी हम तो सड़क से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और स्पीड इतनी 100 हो गई है इस टाइम ना, 100 पे स्विच टच है। मिनी रोड ही कर लेता हूँ यार, चलो जितना आपको बोला तो मिनी रोड ही करूँगा आज। बीच में रोक के खड़े भाई बंदे हैं ना, आने जाने वाले को कोई ये कर रहे। ये फॉर्चूनर एंड महिंद्रा थार यहाँ क्या कर रही भाई, ये इस रोड पे भाई, रोड पे पता नहीं क्यों मिट्टी सी है यार इतनी। मिनी रोड राइड कर रहा हूँ गाइस, चेक करो। आई होप यार आवाज़ का कोई ग्लिच ना हो यार, क्योंकि कई बार आवाज़ का ग्लिच होता है। कुत्तों से हमेशा सावधान रहो भाई, हाइपर राइड रहनी चाहिए ना हमेशा यार, क्या फ़ायदा स्लो चला के, क्या फ़ायदा भाई, कहाँ जाएंगे आप स्लो चला के। ये बस कंट्रोलिंग हाथ में होनी चाहिए बिल्कुल ही ना। यहाँ पे हमको भरपूर पावर मिली, क्योंकि हम उतराई सी, उतराई में तो स्कूटी रॉकेट बन जाए भाई, है कोई चीज़ हो। ये कच्चा है, ये गंदे गंदे पैच ना भाई साहब, हमेशा आपको ख़त्म करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्लैंक रोड रहता है ब्लैंक बिल्कुल, और ये टाइलें नहान में भी इन टाइलों ने भाई ऐसे कैसे कर दी थी। एक बार मैं आपको अपनी स्कूटी की लुक भी चेक करवाऊंगा, जैसे मैंने कल चेंज करा ना, स्टिकर्स वगैरह बता रहे हैं। एक का दुक्का गाड़ी तो चलती रहती है भाई यहाँ पे। मजे लो भाई आप मिनी रोड के ना। रॉकेट बन रहा है इसका तो। यहाँ गंदा पैच है भाई, ये देख लो, ये मोड़ सबसे गंदा है भाई, ये हमेशा याद रहता है मेरे को। ओ भाई साहब, ये गलती होगी मेरे से। ओवर स्पीड में भाई कंट्रोल भी नहीं कर सकते ना, एकदम से ब्रेक में लगा सकते पत्थरों को देख के। जो लोग बोलते हैं कि भाई ये पुरानी स्कूटी है, कई लोग बोलते हैं कि यार बेच दे इसको, यार कैसे बेच सकता हूँ मैं, आई लव दिस स्कूटी।
वो कहीं कहीं है बेकार रोड, बाकी सारा अच्छा ही है भाई। है बस आ गया भाई ब्रिज ना, यहाँ पे रुकूंगा मैं बस अगले मोड़ पे। वही फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, बस यहाँ रुक जाता हूँ मैं ना थोड़ा सा, तो अभी स्कूटी की चेक करा देता हूँ मैं आपको, बाकी साइड में रुकूंगा बिल्कुल ना, ताकि गाड़ी गुड़ी आए तो निकल सके। गांव की नदी है, तो ऐसी लोकेशन में कुछ पहुंच गया भाई, और बस यहीं से वापस चल जाऊंगा यार मैं। नहीं देखो स्कूटी में भाई मैंने यहाँ पे विंगलेट था, एक विंगलेट जो भी बोल रहे हैं भाई इसको, विंगलेट था वो मैंने निकाल दिया है। अब देखो कैसी लग रही है भाई लुक इसकी, सेक्सी कती है ना, ये देखो चेक करो। वो मडगार्ड मैंने आपको पता ही है कौन सा डलवा रखा, ये देख लो अपनी स्कूटी फाइनली, और आवाज़ इसमें कट कट के आ रही है आवाज़ ना, और अभी थोड़ी गंदी अभी धुलवाऊँगा नहाने जाके मैं। बाकी तो यार इस वीडियो में इतना ही था, मतलब यहीं तक थी हमारी राइड। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मिसिंग अपडेट, और एक्सप्लोरर्स राइड विद अरुण को सब्सक्राइब करो।